अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने शोरबे वाले टिंडे गोश्त की रेसिपी लेकर। इजी रेसिपी है, बहुत अच्छा सालन बनता है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। टिंडे गोश्त बनाने के लिए मैंने पतीली में तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट ली थी, जिसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने अभी शामिल की है और बाकी की प्याज मैं बाद में शामिल करूँगी। प्याज फ्राई करते करते कुछ चीज़ें अब हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा। साबुत गरम मसाले में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी, तकरीबन 4 से 5 लौंगें, काली मिर्चें इसमें जाएंगी तकरीबन 8 से 10, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये भी तेल में थोड़ा सा फ्राई होगा ना, तो इसकी खुशबू निकलेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। जैसे कि अब प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो मैंने इसमें 1/2 किलो गोश्त शामिल किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ इस्तेमाल करें, मटन इस्तेमाल करें, जो आपका दिल करे। गोश्त को भी हम कुछ देर फ्राई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट, और फिर इसके अंदर मैं पाउडर्ड मसाले ऐड करूंगी। पाउडर्ड मसालों में इसमें जाएगी पिसी सूखी मिर्च 1 खाने का चम्मच। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच और पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच। शोरबे वाले सालन जब हम बनाते हैं ना, तो इसमें हम पिसे धनिए की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, लेकिन जब हम भुने सालन बनाते हैं ना, तो हम क्वांटिटी फिर कम कर देते हैं। अच्छा, बाकी की जो बची हुई प्याज थी वो मैंने अब इसमें शामिल की, और नमक डाला इसमें हसबे जायका। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, और बस अब इसे कवर करके मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी दरमियानी आँच पर। 1 से 1.5 घंटे में अगर बड़े का गोश्त है तो गल जाता है, और बकरे का गोश्त जो है वो 1.5 से 1 घंटे में आराम से गल जाता है, ठीक है। ये बड़े का गोश्त मैंने इस्तेमाल किया था, तो तकरीबन 1.5 घंटे में गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। जब गोश्त गल जाएगा बिल्कुल, तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। 100 ग्राम दही मैंने इसमें शामिल किया है, 1/2 पाव से भी कम दही है। दही के साथ मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की है, यहाँ तक कि तेल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तेल अलहदा हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें टिंडे शामिल कर रही हूँ। टिंडे 1/2 किलो लिए हैं मैंने, और साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है 1.5 से 2 गिलास, जितना भी आपको शोरबा रखना है। मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और पिसा हुआ गर्म मसाला तकरीबन 1/2 से 1 चाय का चम्मच। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ढक कर धीमी आँच पर छोड़ रही हूँ। इतनी देर में टिंडे भी गल जाएंगे, जैसे कि ये गल चुके हैं, और सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लीजिए जी, मज़ेदार हमारा शोरबे वाला टिंडे गोश्त तैयार हो चुका है। इसे चावल के साथ एंजॉय करें, नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। दुआ में बहुत याद रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।